एक सिख अगर देख ले कि सामने से ग्रंथ साहब जी आ रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर से दिख गया कि उनके नाम का प्रकाश हो रहा है, चमल ढुल रहा है, ग्रंथ साहब आ रहे हैं, कहीं पर अरदास होने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक ग्रंथ साहब जी सामने से निकल नहीं जाएंगे, सिख ना चप्पल पहनेगा न सिर उठाएगा, ऐसा सिर नीचे करके खड़ा रहेगा, पहले ग्रंथ साहब निकलेंगे उसके बाद मैं अपनी दुनिया का काम करूंगा। बीच रोड में से अच्छे अच्छे सिखों के बीच से कार में बैठे हैं और अगर मान लो ग्रंथ साहब निकल रहे हैं, सिख अपनी कार छोड़ करके बाहर खड़ा मिलता है। क्या कौम की खूबसूरती है, सिखों के जब ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है उनको कोई पुस्तक नहीं बोल सकता, जबान निकाल लेते हैं। अगर आपने ग्रंथ साहब जी का बोला कि ग्रंथ खोलो, बोले नहीं ऐसा नहीं बोलो, क्या बोलो, ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो। प्रकाश शब्द लिया, आपके यहां भगवान के जो उपकरण होते हैं ना, वो तो आपको कभी गंदे दिख जाएंगे, उनके यहां चवर को चवर नहीं कहते, चवर सा कहते हैं। क्या है, गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर चवर सा फिराया जाता है, उसको धरती पर नहीं रखते, इतना बहुमान प्रभु के गुरु के उपकरणों के प्रति। लात लग जाए तो प्राश्चित बाहर बैठ करके लोगों के जूते साफ कर करके ज्ञानी जैल सिंह सिंह से, अकाल तख्त से हुक्म निकला था, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सिंह जी ने गुरुद्वारे के बाहर बैठ करके जूते साफ करे थे। तख्त इतना मजबूत होता है बंधु, इतनी कौमें मजबूत होती है।